Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Radhe Radhe Radhe, Bolo Radhe Radhe Radhe, Bolo Radhe Radhe Radhe, Bolo Radhe Radhe Radhe. बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोलो रामा बोलो रामा हरे राधे बोलो रामा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईश्वर का नाम कैसे भी लिया जाए, कहीं भी लिया जाए, वो हमेशा स्मरणीय है, हमेशा याद रखने वाला है, याद किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बैंड जो आपने बजाया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात आज जो हो रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो किसी भी तरह कैसे भी कैसे समाज में सौहार्द बनाया जाए इसको लेकर बात थी, इसी को लेकर बहस थी। और इस बात को लेकर आज सर संचालक जी ने कहा कि जिन्होंने जिनका मन हिंसा में लगता है या जो हिंसा के पुजारी हैं या जो हिंसा पे विश्वास रखते हैं उनके दिन गिने चुने हैं या समाज में वो बहुत हाशिए पे पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य भाग है और इसको बार बार कहा जाना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जी। समाजवादी पार्टी देखिए बिल्कुल सही कहा है, उसमें निहितार्थ अलग अलग नहीं निकालने चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि हिंसा जो लोग हिंसा करते हैं उनको निश्चित रूप से चिन्हित करना चाहिए, इसमें जाति धर्म देखना नहीं चाहिए। और वैसे भी कहा है रामायण केवल प्रेम प्यारा, रामायण केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा, तो राम राम जो प्रेम करते हैं उनको राम पसंद करते हैं, क्यों नहीं उसमें ढूंढते हैं ये चीजें। ये लोग जो लड़ाई झगड़े की बात करते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू का हा और मुस्लिम का माँ, हम क्यों नहीं बनते, हम भारतवासी क्यों नहीं बनते, हम हिंदुस्तानी क्यों नहीं बनते, हम क्यों जाति धर्म देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं, क्यों हम रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, क्यों हम ये बात नहीं कर रहे कि 45 करोड़ लोगों ने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया, ये हताशा है लोगों की, तो इससे क्यों नहीं कोयला देश में है नहीं, 650 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, बोलने दो। देखिए मैं बोल देता हूँ दुबे जी, सौहार्द इस देश में एक फैशन हो गया है कि अगर आप सांप्रदायिकता की बात करें तो रोजगार, अगर आप आतंकवाद की एक मिनट तो रोजगार, क्या आतंकवाद सांप्रदायिकता शांति राष्ट्रीय एकता पर काम करने से रोजगार प्रभावित होता है? मैं एक बात और कह रहा हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि कोई किसी की बात सुनना चाहता ही नहीं है। अरे बात तो कहने दीजिए, अगर वो कोई गलत बात तो कहने दीजिए, समाज में रोजगार हो, बेरोजगारी दूर हो, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जी जी। हाँ देखिए सवाल है कि जो विषय है उसके इसलिए आएगा जब समाज में सब। अच्छा मैं भी अतार्किक बात नहीं करता हूँ, मेरा कहना है एक मिनट कि एक ही डिबेट में सारे विषय, आज अगर एक महत्वपूर्ण विषय उठा है तो हम उस पर क्यों नहीं बात कर सकते हैं कि हम उसमें दुनिया के सारे विषय ले आएंगे? यही दिक्कत है, अगर रोजगार की बेरोजगार की बात कर दो, किसानों की बात कर दो, और तो ये लोग कह रहे हैं कि ये गलत विषय है, कहां ये जानते नहीं है। और ये भी मैं बोलता हूँ, मैं देखिए राघवेंद्र जी रुकिए, राघवेंद्र जी आपने जो कोई बात कही, अगर समाज में रोजगारी रोजगार बढ़ेगा, संपन्नता आएगी, तो बहुत सारी चीजें अपने आप दूर होंगी। लेकिन ये बात बहुत ईमानदारी के साथ कही जाए तब, लेकिन अगर वो राजनीति की तरह कही जा रही है तो गलत है, तो वो भी गलत है जी। मैं आया जी। सर देखिए आज कितनी अच्छी बात मोहन भागवत जी ने कही है, कितनी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब गिने चिने चुने दिन जो है उनके रह गए हैं जो समाज को तोड़ना चाहते हैं, उनका इशारा दूसरे जगह पे है। एक बार हाँ, जो पत्थर मारते हैं, जो बम मारते हैं, जो समाज को तोड़ते हैं, सब चुप करा दीजिए, एक सेकंड के लिए मेरी बात सुन लीजिए, चुप करा दीजिए इनको। और इनके लिए विशेष मोहन भागवत जी ने कहा है, मैं कह रहा हूँ एक बार जरा सुन लीजिए उस बात को। वह कहना चाहते हैं कि हमारा देश बहुत मजबूत है, हमारे देश के शीर्ष पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत मजबूत कलेजे के हैं और बहुत मजबूत दिल के हैं, इस देश का संविधान बहुत मजबूत है। अब उन लोगों का दिन फिर गया जिन्हें चुने दिन रह गए हैं, अब बात कीजिए रोजगार के ऊपर, अब बात कीजिए उस बेरोजगारी के ऊपर,
अब बात कीजिए आप भूख के ऊपर, अब बात कीजिए आप उन बच्चों के दूध के ऊपर जिनको दूध नहीं मिलता है, और आप सुधर जाइए और हिंदू मुसलमान करना बंद। हमारे यहाँ क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम महेंद्र सिंह है। महेंद्र जी कहाँ के रहने वाले? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से, बहुत बढ़िया आदमी होता है राजस्थान का, बहुत अच्छा आदमी होता है। देखिए अवधेश जी ने अपनी तरह से बताया, देवा जी ने अपनी तरह से बताया, अनवर भाई ने अपनी तरह से बताया, नवीन जी ने अपनी तरफ से बताया। अभी आप पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे आते हैं वो नहीं बोली है। हमारे यहाँ मानस में एक पंक्ति मेरी तो सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक है किताब, मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ तो बहुत अदब के साथ, रामचरित मानस, उसकी एक पंक्ति है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी। तो हर आदमी ने इस लाइन को अलग अलग तरीके से बता दिया। दुबे जी आप तो पूरे प्रकांड पंडित में आ रहा हूँ, पहले पैनल में पूरा होने दीजिए। देखिए मैं अभी मैं सुन रही थी इनको, समाजवादी पार्टी के जो ये पूरे बात कर रहे थे बेरोजगारी के ऊपर, मैं ध्यान दिलाना चाहती हूँ जब इनकी सरकार थी हर भर्ती प्रक्रिया में जिस तरह से इन लोगों ने लूट खसूट मचाया, अभी भी लोग बेचारे खड़े हैं वहाँ पे। और दूसरी ये बात, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, नहीं नहीं सबसे बड़ी बात है जितने घोटाले इनके टाइम में हुए, रिवर फ्रंट घोटाला से लेकर, नहीं नहीं रिवर फ्रंट घोटाला से लेकर रोजी रोजगार के बारे में कौन बात करता, लड़कों से गलती हो जाती है। अरे लड़कों से गलती हो जाती है, बुलंदशहर में लोगों को ऐसे खींच लिया जाता था। रिवर फ्रंट हमने बनाया, इन्होंने एक आरोप सत्य नहीं कर पाया, कुदाल लेके घोटे बोलते रहे, आगरा से यही चेहरा है, यही सभा का असली चेहरा है। होगा क्या, होगा क्या, सारी किताबें हिंदू तो किताबी रिलीजन नहीं है, लेकिन जितने भी किताबें हैं वो कहता है कि फैसला तो यही होता है, और जब फैसला होता है तो हमने क्या बनाया, हम क्या देख के गए, हम समाज के बारे में क्या सोच के गए, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या था, ये बहुत महत्वपूर्ण होता। हाँ इधर देखो शर्मा कह रहे हो, ओ हमने क्या दूर किया, हमने कौन सी चीज बनाई थी, हमने क्या खड़ा किया था, हमने कहाँ ईमान रखा था,